कोरोना काल अभी थका नहीं है, रुका नहीं है, और अभी तो यह जवान है, शबाब पर है। मुश्किल दूसरी है कि यह जो हमारा समय है यह बड़ा खतरों से भरा हुआ है। कोरोना संकट तो है ही, रसातल की ओर जाती हुई अर्थव्यवस्था भी है और सामाजिक अलगाव का संकट है, सांस्कृतिक उजाड़ का संकट है, मीडिया के शक्तिहीन होते जाने का संकट है, प्रकृति के और पर्यावरण के विनाश का संकट है। सामाजिक अलगाव और संस्कृति परामुख होने की वजह से ये सारे संकट पैदा हुए हैं। बाजार और कारपोरेट चक्रवर्ती सम्राट बन के बैठे हुए हैं, उनके सामने राजनीति हो, मीडिया या संस्कृति हो, या कि समाज, सब के सब बोने और सब सबॉर्डिनेट बनकर बैठे हुए हैं। इससे जूझने और पार पाने की चुनौती हम सब के सामने है। मनुष्यता का, संस्कृति का, उसके प्रति मनुष्यता में और संस्कृति में गहरा विश्वास है, इसलिए यह भी भरोसा है कि यह महासंकट भी गुजर ही जाएगा। आज के क्षेत्रीय राज प्रमुखों में खरे दूरदृष्टि संपन्न और कार्यक्षम लोग मुझे नज़र नहीं आते। हो सकता है कि यह मेरा अपनी दृष्टि दोष की वजह से हो और वो लोग अच्छे भी हों, पर मैं क्या करूं, यह मेरा दृष्टि दोष तो है ही। व्यक्तिगत रूप से सभी अच्छे हैं, सभी के लिए शुभकामनाएं, और कोरोना संकट से हम एक बार फिर मजबूती से जूझेंगे और आर्थिक महामारी के संकट से भी हम जूझ कर निपट कर फिर से खड़े होंगे। इसी विश्वास के साथ जीवन चल रहा है और चलेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।